जानते हैं माता के कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में यह शामिल एक मंदिर है जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माँ दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में शामिल है। इस मंदिर में माँ काली के सोरोसी रूप की पूजा की जाती है और इस मंदिर का स्वरूप कछुआ के आकार का नजर आता है, इसलिए इसे कुर्मा पीठ कहा जाता है। यह मंदिर भी रहस्यमयी और चमत्कारी है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की काली धार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती की जीव गिरी थी। माता सती के जीव के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है और यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ पर 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के रूप में है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती और इनका रंग कैसे बदलता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मंदिर में जल रही ज्वाला को मुस्लिम शासकों के ने कई बार बुझाने की कोशिश की थी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और वैज्ञानिक भी यह पता लगाने पे लगे हैं कि यह ज्वाला कहां से निकलती है लेकिन आज तक इसका अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। मंदिर में स्थित ज्वाला को मुगल शासक अकबर ने भी बुझाने की कोशिश की थी लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर ने देवी माँ को स्वयं 50 किलो का छत्र चढ़ाया लेकिन माता ने इस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वह गिर गया और यह छत्र अभी भी मंदिर परिसर में स्थित है। मंगला गौरी मंदिर यह गया शहर के कुछ दूरी पर स्थित भस्मकूट पर्वत पर शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी मंदिर स्थित है और धार्मिक मान्यता है कि माँ सती का वक्षस्थल यानी स्थल यहाँ गिरा था और यह शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ असम के माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान माना जाता है और गया में सती का अस्तन मंडल भस्मकूट पर्वत पर गिरा था और यह 2 पत्थर बन गया था। प्रस्तरमयी अस्तन मंडल में माँ मंगला गौरी हमेशा निवास करती है और यह मान्यता है कि जो लोग शिला का स्पर्श करते हैं वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस शक्तिपीठ की खास बात यह है कि मनुष्य जीवित रहते ही अपना श्राद्ध क्रम यहाँ संपादित कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।